इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्जाम के बारे में बात करने वाले। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने को स्किप ना करें। ये वीडियो देखिए, कंप्लीट में जानकारी दी गई है, और सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए जिले के कप्तानों को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद महकमा परीक्षा कराने की तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकती है। बोर्ड ने अभी हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिलों में तैयारी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और उसमें कहा यह गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सिपाही भर्ती परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। इसी साल फरवरी महीने में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। 60,244 सिपाहियों की भर्ती की यह परीक्षा पेपर लीक के चलते निरस्त हो गई थी। लिहाजा इस बार भर्ती बोर्ड हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, और इस बार भर्ती बोर्ड ने अब सभी जिला कप्तानों से एक रिपोर्ट भी तलब की है, और साथ ही प्रश्न पत्र की सुरक्षा के मद्देनजर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पेपर लीक की वजह से दरअसल ये परीक्षा जो फरवरी में होनी थी वो रद्द हो गई थी, और ऐसे में इस बार जब परीक्षा आने वाले कुछ दिनों में होगी तो इसके लिए खास दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम तैयारियां भी इसके लिए शुरू की जा चुकी है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। कैसे जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक ना हो, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम है, इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की फजीहत झेल चुका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस परीक्षा को दोबारा संपन्न कराने के लिए अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भर्ती बोर्ड के एडीजी अशोक कुमार सिंह की ओर से सभी जिला कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में तमाम जानकारियां तलब की गई हैं। जिला कप्तानों से ये पूछा गया है कि उस कोषागार यानी ट्रेजरी के बारे में बताएं जहां पर इस परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। क्या वहां पर डबल लॉक सिस्टम है, और अगर कोषागार में डबल लॉक सिस्टम है तो क्या उसकी अलग अलग चाबियां अलग अलग अफसरों के पास रखी जाती हैं या नहीं। कोषागार के कॉरिडोर से लेकर हॉल तक सभी इलाका सीसीटीवी कैमरों से कवर हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरों, उनकी हार्ड डिस्क, उनकी डीवीआर के स्पेसिफिकेशन भी मांगे गए हैं। कोषागार में कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, क्या वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं, ये जानकारी भी तलब की गई है।